हेलो एवरीवन, आज मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में कोल्ड कॉफ़ी लेकर आई हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप चीनी ले लिया है, तो आप रेगुलर कप से नाप सकते हैं। और इस आधे कप में टोटल मैं 4 ग्लास कॉफ़ी बनाने वाली हूँ, कोल्ड कॉफ़ी। तो इसी तरह से आप कितना ग्लास बनाना चाहते हैं उस अनुसार आप चीनी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीनी ले लिया है। अब इसमें थोड़ा पानी डालूँगी और पानी डालने के बाद गैस पर इसे मेल्ट कर लेना है चूल्हे पर। चीनी जब मेल्ट हो जाए तो इसे हटा लेना है। इस तरह से चूल्हे पर चीनी को अच्छी तरह से पिघला लेते हैं, तो जब आपका कॉफ़ी बनेगा बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट में बनेगा, कैरेमल टेस्ट आएगा। चीनी मेल्ट हो चुका है, अब गैस को ऑफ कर लूँगी और इसे ठंडा कर लूँगी। पानी का मात्रा कम डालिएगा जब चीनी मेल्ट करना होगा, तो जैसे 4 से 5 चम्मच काफ़ी है, आधे कप चीनी के अनुसार। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और उसमें 4 कप कोल्ड कॉफ़ी के अनुसार यहाँ पे मैं 4 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल रही हूँ। तो कोल्ड कॉफ़ी में कॉफ़ी पाउडर का मात्रा अधिक होता है, क्योंकि बिल्कुल उसे कोल्ड कोल्ड पीना होता है, तो कॉफ़ी का मात्रा अधिक रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और टेस्ट आता है। मैंने यहाँ पे जो शुगर सिरप बनाया था, यानी चीनी जो मेल्ट कर लिया था, वो ठंडा हो चुका है। तो ये सिरप इस कॉफ़ी पाउडर में एक बार में अधिक मात्रा में ना डालते हुए, थोड़ा थोड़ा मात्रा में डालते हुए इसे खूब अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो इस तरह से आप फेंट सकते हैं। आप चाहें तो चम्मच की सहायता से भी या फिर मिक्सर जार में भी इसे फेंट सकते हैं, पर ये मुझे काफ़ी आसान लगता है इस तरह से फेंटना। तो इस तरह से आपको फेंटते जाना है, 5 मिनट में काफ़ी अच्छे से फेंट जाता है। ये फेंटते फेंटते इसका ऐसा कंसिस्टेंसी बना देना है जैसे एक फोम की तरह ये लुक आएगा। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूँगी, जैसे 1 से 2 चम्मच, और 1 से 2 चम्मच पानी डालने के बाद और इसे फेंटना स्टार्ट करूँगी। मैंने पानी क्यों डाला है, काफ़ी ये थिक हो चुका था, इस कारण से मैंने जैसे ही 1-2 चम्मच पानी डाला फिर से ये फोम उठना स्टार्ट हो गया, तो इस कारण से मैंने पानी डाल दिया। और देख सकते हैं आप कितना बढ़िया सा ये फोम उठना स्टार्ट हो रहा है। अभी और करेंगे फोम, जब ये ऊपर जैसे आप उठाएं और नीचे ना गिरे तब समझ जाइएगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट फोम बनकर तैयार हुआ है। जैसे इस तरह से मैंने उठाया और हैंडल में आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ये फोम नीचे ड्रॉप नहीं हो रहा है, गिर नहीं रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट फोम बना है। तो चेक करने का बिल्कुल ये तरीका परफेक्ट है। जब तक ये फोम अच्छी तरह से बन ना पाए तब तक आपको इस तरह से घुमाते रहना है। यहाँ पे मैंने ग्लास लिया है और ग्लास के ऊपर इस तरह से चॉकलेट सिरप घुमा रही हूँ, तो ये बिल्कुल एक सुंदरता के लिए है। अगर आप इस तरह से नहीं करना पसंद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस लुक अच्छा है इस कारण से मैं इसमें से ग्लास में सजा रही हूँ, ड्रॉप कर रही हूँ। कॉफ़ी फोम बनाने से पहले आपको ध्यान देना होगा, अगर आप चाहते हैं 1 से 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर में फोम बनाना, तो 1-2 चम्मच में कॉफ़ी फोम बिल्कुल नहीं बन पाएगा। कम से कम 3 से 4 चम्मच होना चाहिए, तभी आपका बढ़िया सा कॉफ़ी का फोम बन पाएगा। और सभी ग्लास में 1-1 चम्मच कॉफ़ी फोम बनाया हुआ डाल देना है। अगर आप कॉफ़ी का मात्रा अधिक पसंद करते हैं कोल्ड कॉफ़ी में, तो आप अधिक मात्रा में डाल सकते हैं कॉफ़ी फोम। और अगर आपका बच जाए तो आप इसे डब्बों में रख कर फ्रिज में भी रख सकते हैं, आपका 3 से 4 दिन आसानी से चल जाएगा। और जब भी आपको कॉफ़ी पीने का मन हो आप घोल कर पी सकते हैं। तो ग्लास में मैंने 1-1 चम्मच रख दिया है और यहाँ पर मैंने बिल्कुल चिल्ड दूध लिया है, यानी कि बिल्कुल ठंडा सा दूध मैंने ले लिया है। तो इस तरह से सभी ग्लासों में मैंने डाल दिया है। और अब आप दूध को हल्का सा मिला दें, हल्का ही मिलाइएगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से आपका ख़राब हो जाएगा लुक जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल से बिल्कुल हट जाएगा। अधिक चलाने से तो वो टेस्ट आपका रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं आ पाएगा। हल्का हल्का चलाने से क्या होता है कि थोड़ा ही
मात्रा में कॉफ़ी मिलता है दूध में और बाकी फोम रहता है। यहाँ पे मैंने आइसक्रीम डाला है एक वेनिला फ्लेवर में और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसे देना चाहते हैं, डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और ऊपर से मैंने चॉकलेट सिरप से फिर से सजाया है। तो आप इस तरह से अपने घरों में कोल्ड कॉफ़ी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में फोम वाली बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा फोम वाली बनकर तैयार हुआ है। अब मैं आपको चम्मच की सहायता से निकालकर आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया सा ये बनकर तैयार हुआ है। आप अपने घरों में इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का मिलता रहे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।